हेलो एवरीवन तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जिसे लॉ भी कहा जाता है तो गोसेंस फर्स्ट लॉ कौन सी है इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी गोसेंस फर्स्ट लॉ की जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डीएमयू भी कहा गया है तो वो फर्स्ट लॉ है गौसेन की और ये गौसेन की सेकेंड लॉ है इस लॉ को और भी कई नामों से जाना जाता है सबसे पहला नाम है इसका लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या इसे लॉ ऑफ सब्सिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मोर या यूजफुल यूजफुल गुड्स गुड्स टू लेसर यानी जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है हम उसको परचेज करते हैं इग्नोरिंग दी लेसर इम्पोर्टेंट वन दूसरा नाम इसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है बिकॉज थ्रू इट वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इसके थ्रू कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले एंड लास्टली इसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो इसका नाम है वो कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटीजलाइज थ्रू दी प्रोसेस ऑफ सब्सिट्यूशन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अटेन्ड फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो ये जो इक्वी है यहाँ पे इक्वी वर्ड डिनोट करता है इक्वल को तो यहाँ पे क्या होता है इक्वलाइज हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटीज इसका मतलब ये होता है अगर आप बहुत आसान शब्दों में समझना चाहिए कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि जो कमोडिटीज हैं यानी जो आप दो कमोडिटीज परचेस करेंगे वो इस तरीके से परचेज करिए कि आपकी जो इनकम है जो लिमिटेड इनकम है वो पूरी स्पेंड हो जाए और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल सके तो ये अभी हम आगे इसमें देखते हैं ये जो थ्योरी है इट इज एन एक्सटेंशन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपने देखा था सेवन बढ़ाते जाते हैं घटती जाती है यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से दो कमोडिटीज के बीच आपको अमाउंट स्पेंड भी करना है टोटल अमाउंट और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी अटेन करना है सो so, लेट्स It is the second important law of the utility analysis. This law was first propounded by Gossen. It is known as Gossen's second law. As I already told you, Gossen ne se so second law bhi kaha jata hai. This law points out how a consumer can get max, maximum satisfaction out of given expenditure on different goods. Matlab, total limited income hai aur do commodities hai, so how he is going to maintain a balance and going to attain the maximum satisfaction from both the commodities now let's see what does this law says this law states that in order to get, get max, maximum satisfaction a consumer should spend his limited income on different commodities in such a manner that the last rupee spent on each commodity yields him equal marginal utility isme yahi bataya gaya jo commodities <laughs> x or y ya a or b

ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं इसमें देखिए टोटल मनी दी है ट्वेंटी फोर प्राइस ऑफ एक्स और वाई दोनों दिए हैं टू और थ्री अब हम देख रहे हैं टोटल सिक्स यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई हमको गिवन है पहले हमें निकालना होगा इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर तो वो कैसे निकलता है जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम एक्स का जो प्राइस होता है उससे डिवाइड करते जाते हैं तो देखिए एक्स की प्राइस ऑफ एक्स है टू तो और एमयू एक्स कितना दिया है 20 18 16 14 12 एंड 10 तो हम क्या करेंगे इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 2 10 अब देखिए mux अपॉन px हम बता रहे हैं 18 को डिवाइड किया 2 से 9 16 को डिवाइड किया 2 से 8 7 6 5 एंड सो ऑन डिवाइड करते जाइए आप जो प्राइस हो x का mux डिवाइडेड बाय जो प्राइस होगा x का अब muy भी देखिए प्राइस y का है 3 24 डिवाइडेड बाय 3

कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं है और वाई की आपको देखना है कि आपको ये टोटल अमाउंट कैसे स्पेंड करना है आप कैसे इसको स्पेंड करोगे ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल सके तो पहला रूपी आप स्पेंड करोगे जैसे आपने देखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज्यादा हमको मिलेगी एम यू एक्स जहाँ पे ट्वेंटी है यानी फर्स्ट यूनिट पे तो पहला रुपी हम स्पेंड करेंगे 20 पे यानी MUX जो x की वैल्यू 20 है वहां पे हम स्पेंड करेंगे फिर उसके बाद हमें उससे कम मार्जिनल यूटिलिटी कहां मिलेगी सेकंड रुपए हम स्पेंड करेंगे 18 पे जहां पे MUX 18 है ये मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये टोटल अमाउंट कैसे स्पेंड करना है ये जो टेबल है ये सिर्फ समझने के लिए होता है इसमें बस ये बताया जाता है कि आपको जो एम यू है एक्स का उसको प्राइस से डिवाइड कर दीजिए फिर आपको पता चल जाएगा कि इस यूनिट पे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है एंड देन यू कैन स्पेंड अमाउंट अकॉर्डिंगली अब इसका क्या मतलब होता है इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक्स के पांच यूनिट लेना है और वाई के भी पांच यूनिट लेना है यू कैन टेक फाइव यूनिट ऑफ एक्स एंड फाइव यूनिट ऑफ वाई साथ ही साथ आप ऐसा कर सकते हो आप सिक्स यूनिट ऑफ एक्स ले सकते हो फोर यूनिट ऑफ वाई ले सकते हो यहाँ इक्वल का मतलब बराबर के नंबर का नहीं है इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या है that equal in terms of satisfaction. जो satisfaction है वो इक्वल हो सके अब जब ये बात होती है कि जब जब बराबर बराबर करने के लिए satisfaction, जब बराबर, दोनों तरफ से मिलना चाहिए, तो इट मे हैपन दैट सम ऑफ द यूनिट्स मे बी इंक्रीज यानी कहीं पे आप गेन करोगे कहीं पे आप लॉस में रहोगे तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो डायग्राम आपके सामने है कि दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज आपने एक्स और वाई दोनों को कैलकुलेट किया है एक्स में आप देख रहे हो लॉस हो रहा है वाई में आप देख रहे हो गेन हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं के यूनिट बढ़ाएंगे एक तरफ के यूनिट्स बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ के यूनिट्स घट जाएंगे लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो दोनों से मिलने मिलके सेटिस्फैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा तो इट टॉक्स अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ओनली कि वो आपको अटेन करना है ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स फिर से एक बार बता रहे हैं कि एक्स और वाई एम यू एक्स और एम यू वाई जो गिवन होता है उसको प्राइस से डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यूज आती है, हम देखते है जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसपे हम पहला रुपी स्पेंड करेंगे जो उससे कम होगी उसपे सेकेंड रुपी स्पेंड करेंगे इसी तरीके से हम अकॉर्डिंगली स्पेंड करते जाएंगे इससे मतलब नहीं है कि x के पांच यूनिट या y के पांच यूनिट बस आपको स्पेंड करना है टोटल अमाउंट स्पेंड हो जाए और साथ ही साथ आपको जो मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए अब इसके अजाम्शन क्या कहते हैं

चाहे वो किलोग्राम में हो लीटर में हो लेकिन एक स्टैंडर्डाइज मेजर होना चाहिए क्या होता है कि अगर हम टेस्ट और प्रेफरेंसेज चेंज करते रहेंगे the ना हम उसे एलोकेट कर पाएंगे ना बांट पाएंगे कि हमें कहाँ खर्च करना है क्योंकि हमारी पसंद अभी ये थी अब हमें दूसरी चीज पसंद आ रही है देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन